एक बार भगवान शिव पार्वती को कथाएं सुनाने बैठे और उन्होंने विद्याधर चक्रवर्तियों की 7 आश्चर्यजनक कथाएं पार्वती को सुनाई। यद्यपि ये कथाएं उन्होंने नितांत एकांत में ही पार्वती के आगे कही थी, पर चोरी से उनके एक अनुचर पुष्पदंत ने छिपकर उन्हें सुन लिया। उसने अपनी जया को वे कहानियां सुनाई। जया ने वे कहानियां अपनी सखियों के आगे कह दी। तब होते होते कहानियों की चर्चा पार्वती जी के आगे भी आ गई और जब पता चला कि पुष्पदंत ने छिपकर वे कहानियां सुनी है, तो पार्वती ने कुपित होकर पुष्पदंत को मृत्यु लोक में जन्म लेने का शाप दे दिया। पुष्पदंत के भाई मालवान ने उसकी ओर से क्षमा मांगी, पर पार्वती इतनी कुपित थी कि उन्होंने पुष्पदंत की ओर से क्षमा याचना करने वाले मालवान को भी वही शाप दे डाला। पुष्पदंत की पत्नी जया पार्वती की परिचारिका थी। उसका दुख देखकर बाद में पार्वती को करुणा आई। तब उन्होंने अपने शाप का परिहार करते हुए कहा कि जब पुष्पदंत मत्री योनि में विंध्याचल पर्वत पर काणभूति से मिलेगा और उसे वे ही कथाएं सुना देगा जो उसने चोरी से सुनी है, तो उसके शाप की मुक्ति हो जाएगी तथा मत्र योनि में वो अपना वास्तविक परिचय भूलेगा नहीं। इसी प्रकार मालवान भी काणभूति से इन कथाओं को सुनेगा और इनका लोक में प्रचार करेगा, तब फिर वो शिवलोक में लौट आएगा। पार्वती के शाप के अनुसार पुष्पदंत ने कौशाम्बी नगरी में वर रुचि के रूप में अवतार लिया और वो महान व्याकरण तथा नंद वंश के अंतिम राजा योग नंद का मंत्री बना। जीवन के उत्तरार्ध में विरागी होकर वो विंध्याचल की विंध्यवासिनी देवी की यात्रा में पहुंचा, जहां उसकी भेंट काणभूति से हुई। उसे अपने पूर्व जन्म की स्मृति हो आई और उसने काणभूति को वे 7 बृहद कथाएं सुनाई। वो शाप मुक्त होकर शिवलोक आ गया। उसके भाई मालवान ने प्रतिष्ठानपुरी में गुणाढ्य के रूप में जन्म लिया था। वो वहां के राजा सातवाहन का मंत्री बना। उसके 2 शिष्य हुए, गुणदेव और नंदीदेव। इन दोनों को लेकर वो काणभूति के पास आया और काणभूति से 7 बृहद कथाएं प्राप्त कर उसने उनको एक एक को 1,00,000 श्लोकों में अपने रक्त से लिखा। फिर अपने शिष्यों के आग्रह पर उसने वे बृहद कथाएं राजा सातवाहन के पास भेजी, जिससे उस महाग्रंथ को समुचित आदर और सुरक्षा मिल सके। पर राजा को वे कथाएं पसंद न आई, क्योंकि वे प्राकृत भाषा पैशाची प्राकृत में लिखी गई थी। इससे गुणाढ्य को बड़ा आघात लगा। जब राजा के द्वारा अनादृत पोथी उसके सामने आई, तो उसने उसका एक एक पृष्ठ पढ़ते पढ़ते आग में जलाना शुरू किया। जंगल के सारे पक्षी एकत्र होकर उसके द्वारा पढ़ी जाती उन कहानियों को मुग्ध होकर सुनते रहे। उसके कारण राजा सातवाहन को पक्षियों का अच्छा मांस मिलना बंद हो गया। और जब उसने इसका कारण पता लगवाया, तो उसे अपने द्वारा बृहद कथाओं के किए गए अनादर पर पश्चाताप हुआ। पर तब तक गुणाढ्य अपनी बृहद कथा के 6 खंड जला चुके थे। सातवाहन ने पहुंचकर उन्हें शेष अंक जलाने से रोका। इस प्रकार बृहद कथा का 1,00,000 श्लोकों का केवल 7वां खंड ही बच सका। वास्तव में बृहद कथा भारतीय कथा साहित्य की एक अमूल्य निधि रही है। अपने मूल्य में अप्राप्य होकर भी अनेक रूपांतरों के माध्यम से परवर्ती काल में भी वो उतनी ही लोकप्रिय बनी रही। इन रूपांतरों में सोमदेव का कथा सरित सागर कथानक की प्रस्तुति की दृष्टि से तथा वर्णन शैली, विद्गता और कवि प्रतिभा के योग के कारण सबसे अधिक सुपाठ्य और रोचक है। अतः इस संकलन में बृहद कथा परंपरा की कथाओं के परिचय के लिए कथा सरित सागर से ही 4 कथाएं चुनी गई है। बृहद कथा में भारतीय कहानी का एक विशेष स्वरूप परिलक्षित होता है, जिसमें एक किस्से के भीतर से दूसरा तथा दूसरे के भीतर से तीसरा निकलता जाता है और इस प्रकार कहानियों की श्रृंखला बन जाती है। पंचतंत्र तथा संस्कृत के अन्य कथा ग्रंथों में भी कहानी की इस विशिष्ट शैली का प्रयोग हुआ है।
जिसमें एक कहानी का कोई पात्र दूसरे पात्र को कोई और कहानी प्रसंगवश सुनाने लगता है, या कोई पात्र अपनी आपबीती बताते हुए एक अलग कथा संसार रच लेता है। बृहत कथा की परंपरा में परवर्ती युग में विपुल कथा साहित्य लिखा जाता रहा। वैताल पंचविशंति, शुक सप्तति, सिंहासन द्वात्रिंशिका, पंचतंत्र, हितोपदेश आदि ऐसी कथा रचनाएं हैं जिनके संस्कृत में ही कई कई संस्करण प्राचीन काल से ही प्रचलित रहे हैं, और लोक कथाओं तथा लोक साहित्य की परंपरा से भी ये रचनाएं गहराई से जुड़ रही हैं। वैताल पंचविशंति वैताल पच्चसी के रूप में, शुक सप्तति किस्सा तोता मैना के रूप में, तथा सिंहासन द्वात्रिंशिका सिंहासन बत्तीसी के रूप में लोक भाषाओं में रूपांतरित होकर घर घर में पढ़ी कही सुनी जाती रही है। यद्यपि वैताल पंचविशंति की 25 कथाएं बृहत कथा के शेमेंद्र तथा सोमदेव द्वारा प्रस्तुत रूपांतरों में भी शामिल है, पर वैताल पंचविशंति मूल बृहत कथा से स्वतंत्र एक पृथक कथा चक्र के रूप में विकसित हुई होगी ऐसा अनुमान किया जाता है। वैताल पंचविशंति के संस्कृत में कम से कम 4 संस्करणों का पता चलता है। इनमें शिवदास के द्वारा रचित वैताल पंचविशंति सर्वाधिक उल्लेखनीय है, जिसमें गद्य के साथ साथ बीच बीच में पद्य का भी प्रयोग किया गया है। इसका समय 15वीं सदी के आसपास कूटा गया है। दूसरी वैताल पंचविशंति किसी अज्ञात लेखक के द्वारा गद्य में तैयार की गई। तीसरा अपेक्षाकृत संक्षिप्त प्रारूप वल्लभ देव ने तैयार किया। इसके अतिरिक्त वैताल पंचविशंति का एक चौथा प्रारूप जंबल दत्त के द्वारा रचा गया है। शुक सप्तति में एक तोते के द्वारा सौदागर की पत्नी प्रभावती को सुनाई गई 70 कथाएं हैं। इसके भी 2 प्राचीन संस्करणों का पता चलता है, एक अलंकृत संस्करण है, दूसरा सरल। पहला संस्करण 12वीं सदी के आसपास का माना गया है। कहानी के क्षेत्र में पंचतंत्र भारतीय साहित्य की सबसे बड़ी देन कही जा सकती है। 5वीं सदी से दुनिया की कई भाषाओं में इसके अनुवाद किए जाने की परंपरा अकारण ही नहीं चल पड़ी थी। पश्चिमी विद्वानों ने भी कहानी की परंपरा में पंचतंत्र के योगदान के महत्व को स्वीकार किया है। दुनिया की किसी जाति के पास कदाचित इतना संपन्न कथा साहित्य नहीं है जितना भारतीयों के पास, और अन्य देशों में भी जितना पुराना कहानी साहित्य है वो भारतीय कहानी की देन कहा जा सकता है। विंटर निट्स के इस कथन में कहानी की भारतीय परंपरा की जिस गुरुता और विशालता का संकेत है, उसके केंद्र में पंचतंत्र रहा है। अधिकांशतः पंचतंत्र का कलेवर पशु कथाओं के ताने बाने में बुना हुआ है, यद्यपि उसमें अनेक कहानियां ऐसी भी हैं जो सीधे मनुष्य जगत से संबद्ध है। पशु कथाओं की परंपरा वैदिक आख्यानों से प्रारंभ होकर महाभारत, पुराणों और जातक कथाओं में चली आ रही थी, और पंचतंत्र में संकलित कथाओं में से भी बहुत सी उसके पहले से प्रचलित रही है। पर पंचतंत्र के रचयिता ने इन कहानियों को समेटते हुए ऐसी कुछ रूपबंध और कथ्य की अनवति पैदा की कि कहानी की अपनी पहचान उभर कर सामने आई। कहानी की एक लंबी विरासत के रहते काव्य शास्त्र के आचार्यों के द्वारा कहानी से मिलती जुलती विधाओं का परिगणन और उनके लक्षणों का व्यवस्थापन स्वाभाविक ही था। उपाख्यान, आख्यान, निदर्शना, प्रवहिका, मंथुली, मणिकुल्या, परिकथा, खंड कथा, बृहत कथा, इस तरह की अनेक विधाएं आनंद वर्धन आदि संस्कृत काव्य शास्त्र के आचार्यों ने परिगणित की, और भोज जैसे आचार्यों ने उनके विस्तार से सोदाहरण लक्षण भी प्रस्तुत किए। यदि आधुनिक कहानी का एक व्यापक लक्षण किया जाए तो इन विधाओं के अधिकांश के लक्षण उसमें उपलक्षण बनकर समा सकते हैं। पंचतंत्र को इन आचार्यों ने निदर्शना नामक कथा विधा के अंतर्गत रखा है, क्योंकि इसमें मनुष्य जगत के किसी सत्य के निदर्शन के लिए पशु कथाओं या पशु प्रतीकों का उपयोग किया गया है। निदर्शन की ये विशिष्ट पद्धति पंचतंत्र को आधुनिक कहानी के निकट भी लाती है,
और उससे कुछ आगे भी ले जाती है। पंचतंत्र ने अपने से पहले की पशु कथाओं की परंपरा का संचय तो किया है, उसने उनमें एक नई बात भी पैदा की। पंचतंत्र की कहानियों में मनुष्य जगत जितनी विविधता के साथ चित्रित है, वो कहानियों को समकालीन बनाती है और आधुनिक भी। मानवीय व्यापार का पशु जगत पर आरोप यहाँ एक विशिष्ट योजना और अभिप्राय के तहत किया गया है। इस योजना में मनुष्य और पशु एक दूसरे के आमने सामने आ खड़े होते हैं। पंचतंत्र की इस योजना से कहानी का प्रतिमान भी उभर कर सामने आता है। कहानी के माध्यम से पंचतंत्र मनुष्य की दुर्बलता, अक्षमता और मूर्खता को भी तथा उसकी सामर्थ्य और कर्तव्य को भी बहुत पैने व्यंग और उतनी ही गहरी संवेदनशीलता के साथ व्यक्त कर सका है। पशु प्रतीकों के कहानी में इस्तेमाल या पशु कथा की ये परंपरा जातक कथाओं, ईसप की नीति कथाओं आदि से कुछ अलग है। यद्यपि ईसप और सिंधबाद की कथाएं भी अपने मूल रूप में हमारी कथा परंपरा में थी और यहीं से बाहर गई, ऐसा शोधकर्ताओं का कहना है। पंचतंत्र की कथाएं कथा परंपरा को विस्तार देती है। यहाँ पशुओं के द्वारा अन्योक्ति परक शैली में मानवीय भाव ही व्यंजित नहीं किए गए, विशिष्ट मनुष्य स्वभावों और मानवीय जगत के कार्य व्यापारों का उन पर आरोप करते हुए पशु और मनुष्य को प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों रूपों में एक दूसरे के आमने सामने लाकर खड़ा किया गया है। इसीलिए पंचतंत्र की इस विशिष्ट शैली में पशुओं के द्वारा मानवीय जगत से साक्षात्कार ही नहीं, पशु की मनुष्यता और मनुष्य की पशुता को भी हम एक दूसरे के द्वंद्व में देख पाते हैं। अधिकांश कथाओं में हम पशु पात्रों में व्यक्तित्व का दोहरापन देखते हैं। पंचतंत्र की सभी कहानियों में केंद्रीय विचार सूत्र रूप में पहले से उपस्थापित कर दिया गया है। उस सूत्र का दृष्टांत कहानी है। ये शैली बोध कथाओं या नीति कथाओं की है और इसी कारण हमारे आचार्यों ने पंचतंत्र को निदर्शना की विधा में परिगणित किया है। किंतु पंचतंत्र कथा के सूत्र या केंद्रीय विचार को दो पात्रों की बहस का हिस्सा बनाते हुए कहानी की जीवन दृष्टि और कहानी का शिल्प दोनों को समरस कर देता है। इस सामरस्य में कहानी का पर्यवसान होता है। कथा शिल्प और कथा दृष्टि का गुथाव वैताल पंचविशंति की कुछ कहानियों में अधिक मंजे हुए रूप में मिलता है। इसकी कहानियों में अपनाई गई कथा प्रक्रिया भी पंचतंत्र की कहानियों से अधिक आकर्षक है। कहानी के समाप्त होते ही एक जटिल गुत्थी आ उपस्थित होती है। इस गुत्थी को खोलने में पूरी कथा का केंद्रीय विचार खुलता है। पंचतंत्र की कहानियों की तरह यहाँ केंद्रीय विचार को सूत्रबद्ध करके पहले से नहीं कह दिया जाता। इस कारण कहानी की गुत्थी के समाधान की आकस्मिकता और विस्मयावहता का अस्वाद कुछ और ही होता है। साथ ही वैताल की कुछ कहानियां मनुष्य के अस्तित्व की अर्थवत्ता की पहचान और मनुष्य की गरिमा की स्थापना में कुछ और आगे तक भी जाती है। जिंदगी से उनमें लगाव कई जगह अधिक गहरा लगता है। वैदिक काल में रची गई कथाओं से लगाकर महाभारत या बृहत कथा तक की भारतीय कथा परंपरा में कहानी की मुंह जबानी बयान की शैली के दर्शन होते हैं। ब्राह्मण ग्रंथों में गद्य में लिखे गए आख्यानों में भी वाचिक शैली की खूबी हम पाते हैं, जहां व्यक्तिवाचक संज्ञाओं के स्थान पर सर्वनामों इसका, उसका, ये, वह आदि का प्रयोग अधिक होता है। ऐसे गद्य रूपों को देखकर लगता है कि जिस प्रकार वेद मंत्रों के विपुल भंडार को कुछ हजार वर्षों की अवधि में पीढ़ी दर पीढ़ी कंठस्थ करते हुए हमारे पूर्वजों ने जस का तस बचा कर रखा, उसी तरह कहानी के गद्य को भी बिना पाठांतर के जस का तस बचाया गया। बाद में जब अलंकृत शैली के साहित्यिक गद्य में कथाएं लिखी जाने लगी तो कहानी की वाचिक शैली की ये विशेषता उनमें न रही। वहां कथा के सहज प्रवाह को काव्यात्मकता और शैली के श्रृंगार ने ढक लिया। वैदिक परंपरा के कहानी के इस वाचिक रूप के दर्शन
हमें बौद्धों के साहित्य में भी होते हैं। इस दृष्टि से बौद्ध अवदान साहित्य, जो अधिकांशतः गद्य में है, बहुत महत्वपूर्ण है। एक एक अवदान आकार में बहुत विशाल है तथा कथाओं के बड़े भंडार को समेटे हुए है। अशोकावदान, जिससे दो कथाएं यहाँ ली गई है, दिव्यावदान का एक अंश है। अशोकावदान की प्रत्येक कथा अपने आप में एक महाकाव्यात्मक और औपन्यासिक विस्तार समाहित किए हुए है। शार्दूल कर्णावदान में इसी प्रकार की एक संपूर्ण कथा है। शार्दूल कर्णावदान का चीनी भाषा में 148 ईस्वी के आसपास अनुवाद किया गया। लोकप्रिय कथाओं की उपयुक्त परंपरा को बौद्ध तथा जैन लेखकों ने उपदेशात्मक या धार्मिक रूप देकर प्रस्तुत किया है। दोनों धर्मों से जुड़े रचनाकारों ने कथा साहित्य को अपार समृद्धि दी। धार्मिक उद्देश्य से प्रेरित होते हुए भी ऐसे कथा साहित्य में अंतरंग मानवीय अनुभूतियां तथा कहानी का कौतुक कम नहीं है। कुछ बौद्ध और जैन कथाओं में सामाजिक वास्तविकताओं के साक्षात्कार के साथ तीखा व्यंग भी मिलता है। इस दृष्टि से जैन लेखक हरिभद्र सूरी का धूर्ताख्यान एक उल्लेखनीय रचना है। हरिभद्र सूरी का कृतित्व 788 ईस्वी से 820 ईस्वी के बीच माना जाता है। वे विद्याधर कुल के आचार्य जिनदत्त के शिष्य थे। उनका जन्म चित्तौड़ में हुआ। जैन दर्शन के महान आचार्य और ग्रंथकार के रूप में उनकी ख्याति है। कुवलयमाला कहा के लेखक उद्योतन उनके शिष्य थे। आरंभ में ये ब्राह्मण थे, बाद में जैन धर्म के अनुयायी हुए। इनके लिखे 26 ग्रंथों का उल्लेख मिलता है, जिनमें से 20 प्रकाशित हुए हैं। कल्याण विजय के अनुसार हरिभद्र ने 88 ग्रंथों का प्रणयन किया था। हरिभद्र ने संस्कृत तथा प्राकृत दोनों भाषाओं में समान अधिकार के साथ विपुल साहित्य की रचना की तथा दार्शनिक ग्रंथ भी लिखे और काव्य कृतियां भी। प्राकृत में धूर्ताख्यान के अतिरिक्त इनकी सम्राइच कहा सम्रादित्य कथा उल्लेखनीय है। सतियों या साध्वियों के चरित को लेकर जैन परंपरा में कई कथा चक्र प्रवर्तित हुए। नर्मदा सुंदरी, मदन रेखा, विलासवती आदि श्रेष्ठ महिलाओं को अनेक कथा काव्यों का विषय बनाया गया। इनमें नर्मदा सुंदरी की कथा अत्यंत मार्मिक है और ये लोकप्रिय भी बहुत हुई। इस पर कई जैन कथाकारों ने अपनी लेखनी चलाई। प्राकृत, अपभ्रंश आदि भाषाओं में नर्मदा सुंदरी कथा पर जो रचनाएं लिखी गईं, उनमें उल्लेखनीय ये है। देव चंद्र सूरी कृत प्राकृत तथा नम्या सुंदरी, जिन प्रभ सूरी की नम्या सुंदरी संधि, महेंद्र सूरी की नम्या सुंदरी कहा प्राकृत में तथा मेरु सुंदर की नर्मदा सुंदरी कथा प्राचीन गुजराती गद्य में। इनमें महेंद्र सूरी की कथा गद्य और पद्य मिलाकर लिखी गई है। यह अत्यंत विस्तृत और विशद है। कथानक का संपूर्ण औपन्यासिक विस्तार की संभावनाएं इसमें प्रतिफलित है। ये कथा विक्रम संवत 1187-1130 ईस्वी में रची गई थी। देवचंद्र सूरी की नम्या सुंदरी कहा कुछ संक्षिप्त है, पर यह भी बड़ी सरस है और मूल कथा का पूरा आस्वाद देती है। देवचंद्र सूरी आचार्य हेमचंद्र के गुरु थे। हेमचंद्र जैन धर्म तथा दर्शन और साहित्य शास्त्र के प्रख्यात आचार्य हैं, जिनका समय 1088 ईस्वी से 1172 ईस्वी है। इस दृष्टि से देवचंद्र सूरी का समय भी 11वीं सदी है। वस्तुतः जैन परंपरा में कथा साहित्य का अत्यंत विशाल भंडार है। कथा कोश प्रकरण तथा कहार्यण कोश इस परंपरा के महत्वपूर्ण परवर्ती कथा संग्रह हैं, जिनसे एक एक कहानी यहाँ ली गई है। उत्तम कुमार रचित या पाप बुद्धि धर्म बुद्धि कथा जैसी जैन कथा रचनाएं उपदेश प्रधान है, जबकि जिन कीर्ति जैसे लेखकों की रची हुई चंपक श्रेष्ठि कथानक या पाल गोपाल कथानक जैसी कथाएं चमत्कार पूर्ण फैंटसी कथाएं हैं। भारतीय कहानी के विकास में जैन प्रबंध काव्यों का भी उल्लेख योगदान रहा है।
इन प्रबंध काव्यों की पृष्ठभूमि ऐतिहासिक है तथा इनमें जैन संतों या जैन धर्म के अनुयायी राजाओं से जुड़ी हुई कथा को प्रमुखता दी गई है। इस प्रकार के प्रबंध काव्यों में मेरुतुंगाचार्य का प्रबंध चिंतामणि रचनाकाल 1306 ईस्वी तथा राजशेखर सूरी का प्रबंध कोश रचनाकाल 1348 ईस्वी बहुत महत्वपूर्ण है। प्रत्येक राजा या संत के चरित्र से जुड़ी हुई छोटी छोटी कथाओं के समुच्चय को यहाँ एक प्रबंध कहा गया है। मेरुतुंग की कृति में विक्रमादित्य और सातवाहन चालुक्य राज, धारानगरी के परमार राजा मुंड और भोज आदि राजाओं के प्रबंध हैं। राजशेखर सूरी की कथा कृति में कुल 24 प्रबंध हैं। इनमें 7 प्रबंध विभिन्न राजाओं को लेकर, 10 प्रबंध विभिन्न धार्मिक संतों या आचार्यों को लेकर तथा कुछ प्रबंध कवियों को लेकर है। जैन साहित्य के अंतर्गत कथाओं का एक अन्य उल्लेख संग्रह कथा महोदधि है, जिसमें 126 कथाएं हैं। कथा परंपरा का एक रोचक कथा संग्रह भर्तक द्वात्रिंशिका है। ये पुस्तक अभी तक भारत में अप्राप्य थी। प्रस्तुत लेखक ने 4 वर्ष पूर्व इसका एक संस्करण हिंदी अनुवाद के साथ प्रकाशित किया है। भर्तक द्वात्रिंशिका की कथाएं कहानी कहने की वाचिक शैली में निबद्ध है। इसकी प्राचीन पोथियों में बताया गया है कि इन कथाओं को श्री सोम सुंदर के शिष्य श्री साधुराज से सुनकर उन्हीं के किसी शिष्य ने लिखा। हरतैल नामक जर्मन विद्वान ने, जिन्होंने इस पुस्तक का पहला संस्करण 1922 ईस्वी में जर्मनी से छपवाया था, भर्तक द्वात्रिंशिका का रचनाकाल 14वीं सदी माना गया है। संभवतः ये पुस्तक इससे भी पहले की रचना है। भर्तक द्वात्रिंशिका में 32 कहानियां हैं। भर्तक शिव भक्त साधुओं का एक प्राचीन संप्रदाय है। ये साधु अक्खड़ और जड़बुद्धि होने के कारण समाज में उपहास के पात्र भी बनते थे। भर्तक द्वात्रिंशिका में इन्हीं भर्तकों की मूर्खता के 32 किस्से हैं। मूर्खों की कहानियों की संस्कृत में ये अकेली अपने ढंग की किताब है। संस्कृत कथा परंपरा का एक महत्वपूर्ण आयाम 14वीं सदी के मैथिल और संस्कृत भाषाओं के सुप्रसिद्ध रचनाकार महाकवि विद्यापति ने अपनी पुरुष परीक्षा में प्रस्तुत किया है। पुरुष परीक्षा में 41 लोकप्रिय कहानियां हैं। इन कहानियों का स्वर लोक कथाओं के अधिक निकट है, पर विद्यापति की कल्पनाशीलता, विनोद बुद्धि और निजी कथा शैली की छाप इस संग्रह की सारी कहानियों पर स्पष्ट है। इसके साथ ही विद्यापति की कहानियां विविधता और मानव स्वभाव की विचित्रता के चित्रण की दृष्टि से बड़ी संपन्न है। कुल मिलाकर देखें, भारतीय कथा परंपरा के संपन्न और विराट फलक को लेकर पात्रों और चरित्रों की विविधता तथा विचित्रता, कथा संविधान, कथा प्रस्तुति की हमारी अपनी विशिष्ट शैली तथा दुर्लभ ऐतिहासिक तथा सामाजिक विषय वस्तु के कारण महत्वपूर्ण है ही। वे अपनी प्रतीकात्मकता, भारतीय जीवन दृष्टि और मूल्य बोध को सुंदर ढंग से प्रस्तुत करने के कारण भी आज के पाठक के लिए एक जरूरी सामग्री प्रस्तुत करती है।